ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रासंदर्भातली अत्यंत महत्त्वाची आणि गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरवल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या निशांत अग्रवालची आता पुढची चौकशी ही उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये होणार आहे. आज उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकानं निशांत अग्रवालला नागपूरमध्ये न्यायालयात हजर केलं. न्यायालयानं निशांतसाठी पोलिसांना 3 दिवसांचा ट्रान्झिट रिमांड मंजूर केला. आता त्याचा ताबा उत्तर प्रदेश पोलिसांना मिळाला आहे आणि पुढची चौकशी लखनौमध्ये होणार आहे. ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट अंतर्गत उत्तर प्रदेश ATS नं सोमवारी त्याला अटक केली होती. रात्रभर चौकशी करून आता त्याला न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं. निशांत अग्रवाल गेल्या 4 वर्षांपासून ब्राह्मोस एरोस्पेसमध्ये सिस्टीम इंजिनियर म्हणून काम करत होता. तो 40 जणांच्या टीमचं नेतृत्व करायचा. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सुमारे 1.5 महिन्यांपूर्वी BSF चा जवान अच्युतानंद मिश्राला अटक केल्यावर निशांत अग्रवालचं नाव समोर आलं होतं. तर ही एक अत्यंत महत्त्वाची कारवाई. उत्तर प्रदेश ATS नं निशांत अग्रवालला नेमकं कसं पकडलं याविषयीची माहिती झी मीडियाच्या हाती लागलेली आहे. DRDO आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी ही कारवाई केली. ISF च्या 1000 फेसबुक प्रोफाईल भारतीय गुप्तचरांच्या रडारवर होते. भारतीय लष्कराच्या गुप्तचर विभागाकडून पाकिस्तानच्या महिला हस्तकांचा शोध घेण्यात आला. काजल 15 ते 20 वेगवेगळ्या फेसबुक प्रोफाईलवर सक्रिय असल्याचं सध्या समजत आहे. आणि सध्या आपल्याबरोबर विशाल सिंग सूर्यवंशी आहेत आपल्याबरोबर उत्तर प्रदेशातून. या सगळ्या घडामोडींवर ते बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. विशालजी, किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और अब तक इस मामले में क्या क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल यूपी ATS की जो टीम है उसने निशांत अग्रवाल को लखनऊ ले आई है और पूछताछ की जा रही है. नागपुर के ही कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड लिया गया था, 3 दिन की रिमांड मिली है और ऐसे में रिमांड कस्टडी के दौरान निशांत अग्रवाल जो है उससे ये जानकारी हासिल की जाएगी कि उसने कैसे हनी ट्रैप के जरिए जो है ये पूरा जो पूरा मामला निकल के आया, कैसे जो है चैट शुरू की थी, किस तरह का उसको ऑफर मिला था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो यूपी ATS तरफ से ली जाएगी. हालांकि यूपी ATS की रडार पर ऑलरेडी 3 IDs थी जिन पर जो है लगातार यूपी ATS जो है कह सकते हैं जांच कर रही थी. जो पाकिस्तान की जो 2 IP एड्रेस की ID थी उनसे चैट लगातार हो रही थी. एक ID कानपुर की थी, एक आगरा की थी और एक नागपुर की थी. जो निशांत अग्रवाल है वो रुड़की का रहने वाला है. ऐसे में रुड़की में जो उसके कंप्यूटर थे, उसके लैपटॉप थे, उसको भी सीज कर लिया गया है. साथ ही साथ यूपी ATS ये जानने की कोशिश कर रही है कि निशांत अग्रवाल को कैसे जाल में फंसाया गया है, कैसे ये पूरा जो घटनाक्रम है हुआ है. 3 दिन के रिमांड पर निशांत अग्रवाल से ये पूरी जानकारी ली जाएगी, किस तरह का जॉब ऑफर उसको दिया गया था और कैसे उसकी दोस्ती हुई थी. तो ये जो पूरा डिटेल है ये यूपी ATS जानने की कोशिश करेगी निशांत अग्रवाल से. फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी यूपी ATS को लगी है, लेकिन यूपी ATS लगातार इस विषय में पहले भी कह चुकी थी कि BSF का जो जवान गिरफ्तार हुआ था उसने इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान की फेक IDs से यूपी के और तमाम जो भारतवर्ष के जितने भी जो सेना जुड़े हुए लोग हैं या सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं या कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं, वो लोग फेक IDs से जुड़े हुए हैं और उनसे लगातार चैटिंग होती है और जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी शेयर होता है. तो उसी के आधार पर यूपी ATS काम कर रही थी और यूपी ATS को जो लिंक मिला था और टिप ऑफ मिला था उसके आधार पर यूपी ATS ने एक बड़ी कार्रवाई की. अब ये कह सकते हैं कि निशांत अग्रवाल से अब तमाम जो लिंक्स हैं वो निकालने की कोशिश की जाएगी. साथ ही साथ नागपुर में क्या कनेक्शन इसका है और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे या जिस कंपनी में वो काम करता था उसमें क्या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी, जो जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक करने की बात आ रही है उसमें जो है कुछ सच्चाई है. तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी यूपी ATS निशांत अग्रवाल से लेगी. जी धन्यवाद विशाल या सविस्तर माहितीबद्दल.